तो नमस्कार, आर्केट टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को वॉशिंग मशीन है, इसको बनाने जा रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम है कि इससे पानी डायरेक्ट गिर रहा है, तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है सब कुछ इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। यह वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से इसको खोलेंगे और देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा सा करीब ले मोलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ड्रेन है, ड्रेन चूहा काट दिया है डायरेक्ट, इसलिए डायरेक्ट पानी यहाँ से गिर रहा है। उसके बाद देखते हैं रबड़ भी काट दिया कि नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से चूहा काट दिया जिसकी वजह से पानी डायरेक्ट गिर रहा है। तो इसको क्या किया जाएगा, नया लगाया जाएगा। कैसे लगाया जाएगा, पहले इसको खोल कर इस यहाँ से निकाला जाएगा, उसके बाद इसको नया लगाया जाएगा। तो कैसे इसको खोला जाए और कैसे इसको लगा जाए सब कुछ कंप्लीट इस वीडियो में दिखाएंगे, बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले वॉशिंग मशीन को उल्टा करेंगे, उसके बाद हम क्या करें वॉशिंग मशीन को उल्टा कर दिए और क्या करेंगे, इसके निचले वाला पार्ट को पहले निकालेंगे, तभी जाके वह ड्रेन निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्रू के द्वारा इसको खोलेंगे। तो यहाँ पर एक स्क्रू पहले से खुला है, दो खुला है। उसके बाद इसके अंदर देखेंगे, पकड़िए बोले मत यार रुक। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इस स्क्रू को साइड साइड में जो लगा रहा था इसको हम क्या करेंगे खोल लेंगे, बिल्कुल आसान है। खोलो प्लीज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको खोलने के बाद तो आप देख सकते हैं उसके नीचे भी एक लगा है स्क्रू, इसको भी खोल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद बेल्ट को यहाँ से पहले उतार लिया जाता है। काफी टाइट है। इस बेल्ट को उतारने के बाद हम क्या करेंगे, इस वॉशिंग मशीन को पीछे की तरफ धीरे धीरे, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से इस टाइप ड्रम को भी यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको पड़ी, वॉशिंग मशीन का जो ड्रम है यहाँ से ब्रेक वायर को पहले निकालेंगे, बिल्कुल आसान है। अब ब्रेक वायर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 नंबर का गुटका से इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला सिरा जो ड्रम यहाँ से इसको देख सकते हैं, यहाँ से घुमाएंगे, यहाँ से स्टीपाना के द्वारा इसको हम खोल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खुल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे आगे की तरफ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निकल चुका है। इस वॉशिंग मशीन की पार्ट को हमने क्या किया, निकाल लिया है। अब इस ब्रेक वायर को भी निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस ब्रेक वायर को हल्का सा ढीला करके इसको भी निकाल लेंगे। तो हम देख सकते हैं ब्रेक वायर भी निकल चुका है। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इस वॉशिंग मशीन को पीछे नीचे का कवर निकाल दिया गया, या मोटर दोनों इसमें पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चूहा का खा गया है, इसको काट दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। अब निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, पहले गर्म पानी के द्वारा इसको थोड़ा सा गर्मा लेंगे ताकि पाइप मुलायम हो जाए और यह आसानी से निकल जाए। तो आप देख सकते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर गर्म पानी गिराएंगे। आप देख सकते हैं इसमें गर्म पानी गिराएंगे ताकि यह मुलायम हो जाए और आसानी से निकल जाए।
है जल्दी यार, अखिलेश निकालो। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से पानी को गरमाते रहेंगे ताकि यह पाइप जब मुलायम होगा तो आसानी से निकल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको गरमा के उसके बाद थोड़ा सा इसको हिला देंगे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से पहले इसके इंसुलेटर जो इसके ऊपर लगा है, एक लिक्विड लगा, उसको भी हम क्या करेंगे उचाड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से जाम हो चुका है, कंपनी का जाम है। तो पानी को गर्मा के इस पाइप को थोड़ा सा मुलायम कर दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे इसको हिलाएंगे, पकड़ो इसको थोड़ा दूर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको पानी से गर्माया गया है। अब पानी से गर्माने के बाद इसको क्या करेंगे, हल्का हल्का इसको हिलाएंगे। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे दोनों तरफ से निकल रहा है। थोड़ा सा जूम करो, इधर लाओ। हाँ, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत मुलायम हो चुका पानी के द्वारा, गर्म पानी इस पर गिराया गया है, ठंडी का दिन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यह निकल चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे जो चूहा काटा था इस पार्ट को हमने निकाल लिया। उसके बाद देख सकते हैं इस पाइप को यहाँ से निकाले गए दोनों सिरे, यहाँ पे अभी इसको गरमाया गया था, यहाँ से इसको गरमाया गया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अभी भी एक पाइप इसकी लगी जो फ्लेक्सिबल पाइप, जो आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे जो मुड़ गई है, ओवर पानी के लिए लगाई जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी गरमाएंगे और इसको भी निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद इसको नया लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको गरमाएंगे, गरमाओ। तो आप देख सकते हैं कैसे गरमाया जा रहा है इसको पानी के द्वारा, जो ताकि ये पाइप मुलायम हो जाए और आसानी से निकल जाए। बहुत से लोगों का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन यह बिल्कुल आसान तरीका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पाइप को गर्माने के बाद इसको निकालेंगे, धीरे धीरे करके इसको निकालेंगे। बहुत ज़्यादा जाम है पाइप। तो आप देख सकते हैं इसको हम क्या करेंगे, और ज़्यादा गर्माएंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इस वॉशिंग मशीन में काफ़ी ज़्यादा कचड़े हैं, और इसमें आप देखेंगे कि चूहा मर के पूरा सड़ गया है। तो इसी से कभी कभी बदबू आती है, तो बहुत से लोग कहते हैं वॉशिंग मशीन से बदबू आ रही है, तो कभी कभी इसकी सर्विस भी कराना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसकी हम क्या करेंगे, सर्विस भी करेंगे अच्छे तरीके से, और इसका फुल रिपेयरिंग करेंगे। इसके अंदर जो भी फॉल्ट है पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इस कचड़े उचड़े को साफ़ करेंगे। साफ कर दो, निकालो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देख सकते हैं चूहा सड़ गया पूरा बिल्कुल। यहाँ पे क्या करेंगे, गर्म पानी खोलते हुए पानी को यहाँ पे गिराएंगे ताकि आसानी से मुलायम हो जाए और आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको गरमाया जा रहा है। अब निकालो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। अब गर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, पेचकस ले लेंगे ताकि आसानी से निकल जाए। देख सकते हैं पाइप बिल्कुल मुलायम हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ से आसानी से निकल गई। तो अब इसको हम नया लाएंगे और इसको लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पाइप को लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पाइप को नया मंगाया गया है, जो दूसरी वाली पाइप है यहाँ पे आप देख सकते हैं चूहा अच्छे तरीके से काट दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे नया लगाएंगे। तो नया लगाने के लिए बिल्कुल आसान है, जैसे निकाला गया तो वैसे सेम लगाया भी जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लगाने से पहले इसके ऊपर क्या करेंगे, एक लिक्विड लगा देंगे, एक रेसी बॉन्ड आता है उसी को हम क्या करेंगे लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे
इस रेसिप बॉन्ड को यहाँ पे पहले लगा देंगे ताकि इसके अंदर से पानी निकलने की कोई संभावना ना रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पाइप को यहाँ लगा दिए, यहाँ पे इस रेसिप बॉन्ड को बढ़िया तरीके से लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह एक लिक्विड होता है तो अच्छे तरीके से जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। तो उसके बाद यहाँ पर भी हम लगा देंगे, उसके बाद इस पाइप को जो ड्रेन पाइप है इस पाइप को लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आप इस रेसिप बॉन्ड को बढ़िया तरीके से लगा देंगे, थोड़ा अच्छे से लगा देंगे ताकि पानी आने की जो संभावना रहे वो बिल्कुल ना रहे। उसके बाद हम इसके अंदर भी रेसिप बॉन्ड को लगा देंगे। अब लगाने के बाद हम क्या करेंगे इसको इसमें फिट करेंगे। तो फिट करने का बिल्कुल आसान तरीका है। अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से इसके अंदर चला जा रहा है। दूसरा वाला जो पार्ट है इसके इधर वाली पाइप को हम क्या करेंगे यहाँ से इसको हल्का सा पुश करेंगे और यहाँ पे दबा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब बिल्कुल आसानी से बैठ चुका है। अब बैठने के बाद अब हम क्या करेंगे इसको इसको पूरा कंप्लीट इसको फिट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा यह जो पाइप हल्का सा ढीला है तो हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा टेप मार देंगे। टेप मारने के बाद हम क्या करेंगे बाद में इस टेप को निकाल भी सकते हैं जब यह लिक्विड सूख जाएगा। थोड़ा सा ढीला था इसलिए हमने क्या किया इसमें टेप मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में टेप को निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसमें टेप इसलिए मार दिया ताकि यह सूख जाए, सूखने के बाद यह बिल्कुल सही हो जाए। अब हम क्या करेंगे इसको पूरा कंप्लीट इसको लगा देंगे। तो इसको लगाने का भी सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है बस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हमें क्या करना है यहाँ पे इस वायर को सीधा करना है और इसको लगा देना है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाइप और है, इस पाइप को भी हम क्या करेंगे लगा देंगे। गैस के अंदर की पाइप है यहाँ पे लगता है। इस पाइप को भी लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ देखो उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ड्रम है इस ड्रम में इस पुल्ली को इसके अंदर पहले लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से स्क्रू से टाइट करेंगे इसको। तो उसके बाद हम क्या करेंगे इस मशीन के ऊपर उठा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट लग चुका है। इस तरह इस पाइप को लगाया जाता है, बिल्कुल आसान है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। ओके थैंक यू।